नमस्कार, मैं योगाचार्य राजेश सैनी। आज हम जानेंगे वक्र आसन। वक्र का मतलब टेढ़ा। आसन यानी स्थिति या मुद्रा। हम कैसे करें इसको हम पहले देखेंगे। सबसे पहले दोनों पांव को सीधा दंडासन में हम लेके आएंगे। उसके बाद में आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे। श्वास भरें, खाली करें, शरीर को एकदम से ढीला छोड़ें और उसके बाद में श्वास भरते हुए ऐसे पाँव को, दाहिने पाँव को मोड़ें और हमारे बाएं पाँव का जो घुटने वाला हिस्सा है, जो उभरा हुआ हिस्सा है, उसके पास हमारे दाहिने पाँव का जो खाली वाला हिस्सा है इसको ऐसे टच करें और कमर हमारी सीधी हो। सबसे पहले ये विशेष रूप से हम ध्यान रखें, कमर में किसी तरह का ऐसा बैंड नहीं हो, कमर पूरी सीधी हो। और अब हम श्वास भरेंगे, बाएं हाथ को ऊपर की ओर लेके आए और श्वास खाली करते हुए हम दाहिनी ओर हमारे हाथ को लेके आए और हमारे पाँव के अंगूठे को, अंगूठा हाथ का और तर्जनी उंगली से ऐसे पकड़ें, कमर सीधी हो और हमारे दाहिने हाथ को पीछे की ओर रखें। श्वास भरें और धीरे धीरे हम गर्दन को अब श्वास खाली करते हुए पीछे की ओर ले जाएंगे और बायां पांव हमारा सीधा रहेगा, बाएं पांव का पंजा अंदर की ओर रहेगा, पूरा शरीर सीधा हो और कमर धीरे धीरे कमर को ट्विस्ट करें। कम से कम इस स्थिति में हम आधे से एक मिनट इस स्थिति को रोक के रखें और फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन को सामने की ओर लेके आएं और श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे हमारे हाथ को भी धीरे धीरे ऊपर की ओर लेके, नीचे की ओर लेके आएं और धीरे धीरे पाँव को हम सीधा खोलेंगे। अब हम इस आसन के लाभ जानेंगे। इस आसन को करने से हमारे कमर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। जिनकी कमर टाइट हो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। जिनके जो रिप्स, पंसलियाँ बोलते हैं, इसमें खिंचाव, तनाव हो, उसको कम करने के लिए भी यह आसन लाभदायक। जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए भी बहुत ही अच्छा व लाभदायक। जो पेनक्रियाज होती है अच्छे से उसकी ट्विस्टिंग व मसाज होती है और हमारे पेट से संबंधित विकारों में भी यह अति लाभदायक। अब हम ध्यान रखेंगे किनको नहीं करना है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। जो माताएं बहनें गर्भावस्था में हैं वो न करें। जिनको पेट से संबंधित गंभीर विकार हो, जैसे पेस्टिक अल्सर हो, पेट का अल्सर हो, उसमें बिल्कुल भी न करें। जिनको किसी तरह की गांठ हो या हाल ही में कोई सर्जरी हुई हो, वे साधक बिल्कुल भी न करें इस आसन को, क्योंकि जितना आसन हमें लाभ देता है उतने नुकसान भी होते हैं अगर आप अच्छे योग गुरु या योग चिकित्सक की मार्गदर्शन में नहीं करें। तो इसलिए हम सावधानियों को विशेष रूप से हम ध्यान में रखते हुए करेंगे तो हमें इसके पूर्ण लाभ हमें मिल सकते हैं।